वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 2021 एंड 2022 इस अकेडमिक ईयर में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन पद्धति में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नदी कंधे पर इस कविता की शुरुआत इस कविता को शुरुआत किया था। इस कविता का स्पष्टीकरण हमने देखा था। कवि की क्या कल्पना है नदी के बारे में, उसने क्या कल्पना की है, नदी को कहाँ से लेकर आना चाहता है, कहाँ रखवाना चाहता है, उसमें कैसी एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, सब हमने कविता में देखा है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और मुझे आशा है कि आप वर्कबुक और पेन के साथ रेडी होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्कबुक में पहला प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। सिर्फ एक शब्द में लिखना है। उसमें पहला प्रश्न है, बालक किसको कंधे पर लाना चाहता है, किसको कंधे पर लाना चाहता है, रखना चाहता है, नदी को। बालक किसको कंधे पर लाना चाहता है, नदी को। उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बालक किसके साथ नहाना चाहता है, नहाना किसके साथ चाहता है, हम मित्रों के साथ नहाते, ऐसी लाइन है कविता में। तो बालक किसके साथ नहाना चाहता है, मित्रों के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, वह मीन्स बालक, वह नदी का परिचय किससे कराना चाहता है, किसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, किसको उसकी पहचान देगा, नदी की पहचान देगा, भद्र जनों से। श्रेष्ठ पुरुष भद्र जनों से। चौथा प्रश्न है, बालक नदी के किनारे खड़े होकर क्या चिल्लाना चाहता है, खड़े खड़े हम उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, तो क्या चिल्लाना चाहता है, मम्मी मम्मी। एक शब्द में उत्तर लिखना है तो एक ही शब्द में लिखेंगे, सिर्फ मम्मी मम्मी इतना ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। अब ये मैंने आपको नहीं दिया है क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके लिखने हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, बस अगर हमारे यहाँ से शुरुआत होती है और नदी उठा कर घर ले आते, फिनिश। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो अभी लिखेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ बोल रही हूँ तो भी चलेगा। तीसरा है, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते,
और अंतिम है चौथा, अगर हमारे बस में होता झटपट नदी पार कर जाते, झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, अगर हमारे बस में होता झटपट नदी पार कर जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो, यहाँ पे दोन हुआ है लेकिन आपको तो ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ उत्तर नोट डाउन करना है, लेकिन यहाँ पे दो है, वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है। अभी देखो एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए भी हमें प्रश्न आया है, चौथा प्रश्न कि बालक क्या चिल्लाना चाहता है, तो क्या चिल्लाना चाहता है, मम्मी मम्मी। और सेम प्रश्न है यहाँ पे, बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है, तो बालक नदी के उस पार खड़े खड़े मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक शब्द में था, एक दो वाक्य में लिखना है, तो पूरी लाइन में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस करना है, बालक नदी के उस पार खड़े खड़े मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। यहाँ पे न का ना करना है। बालक नदी के उस पार खड़े खड़े, यहाँ तक तो जितना क्वेश्चन में है उतना सेम कॉपी करना है, मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। अगला प्रश्न है, शाम ढलने पर बालक क्या करता, और उसका उत्तर है, शाम ढलने पर बालक नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाता। यहाँ पे पर आएगा, हाँ, कंधे पर रखवाता, और जहाँ से उसे लाया था वही रख आता। शाम ढलने पर कवि क्या करेंगे, शाम ढले फिर नदी उठाकर जहाँ से लाया था वहीं पे उसे रखवाता। यहाँ पे आपको पर करना है, ध्यान में रखिए, कंधे पर रखवाता। तीसरा प्रश्न है, वह मित्रों के साथ किस प्रकार नहाना चाहता है, उसका उत्तर है, वह मित्रों के साथ कूद कूद कर उछल उछल कर नहाना चाहता है। कूदना है उछलना है उसको, वह मित्रों के साथ कूद कूद कर और उछल उछल कर नहाना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, बालक नदी को कहाँ बहाना चाहता है? कहाँ बहाना है उसको? बालक नदी को अपने घर के ठीक सामने बहाना चाहता है। अपने घर के ठीक सामने हम हर रोज बहाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर, ऐसी लाइन्स है वहाँ पे। बालक नदी को अपने घर के ठीक सामने बहाना चाहता है। पांचवा प्रश्न है, बालक सबको किस लिए आमंत्रित करता? क्यों इनविटेशन दे रहा है, इनवाइट कर रहा है? क्योंकि बालक सबको नदी में नहाने के लिए आमंत्रित करता। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी में नहाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, करना है। अच्छे हस्ताक्षर में लिखना है और अब भी कंप्लीट करने हैं, बाद में लिखेंगे बर्डन बढ़ जाएगा, आपके वर्कबुक्स भी चेकिंग हो रहे हैं, तो अब भी जैसे वीडियो शुरू है आप देख रहे हैं उसमें ही कंप्लीट करेंगे, तो आपके वर्कबुक टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड, प्रश्न चौथा है, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जिनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हमें सेम लगता है, और अंत का शब्द जो सेम रहता है, ऐसे शब्द मीन्स लयात्मक, ये मैंने आपको कहा है। मस्ताते चिल्लाते, ते रखवाते रख आते, ते लेकिन कविता में इसे लिखने हैं, तो चिल्लाने भी कविता में है, रख आते भी कविता में है, और इतर आते भी कविता में है। यहाँ पे इतर आते हैं, हाँ, करवाते के जगह करवाते के सामने इतर आते आ हुआ है, वो आ नहीं है, रा करना है, इतर आते। आगे उचित जोड़ियाँ मिलाइए, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। एकदम इजी है, जब स्पष्टीकरण दिया था तो मैंने मस्त अच्छे ताल सुर में कविता भी आपको सुनाई थी, उसका एक मैंने सेपरेट वीडियो आपको भेजा था सिर्फ कविता का, और उसके बाद हमने स्पष्टीकरण देखा था, तो उस दरम्यान ही आपकी वो कविता बाय हार्ट हुई होगी। बहुत सिंपल वर्ड्स है, कम वर्ड्स है, तो तुरंत बाय हार्ट हो जाती है वो कविता, ठीक है। सिर्फ प्रिंटेड मिस्टेक जहाँ जहाँ पे हुई है या वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने एक्सप्लेन तो किया है।
इतर आते के यहाँ पे इतर आते हुआ है, वो आ नहीं है, वहाँ पे रा है, इतर आते ऐसा शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न छठा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। नदी का बहुवचन नदियां, कंधे का बहुवचन। अब यहाँ पे कंधा इस साइड लिखना है, कंधा एक वचन है और कंधा का बहुवचन है कंधे, तो हमारे वर्ब बुक में कंधा है उसका लिखना है कंधे, और बहाता बहाते, नदी नदियां, कंधा कंधे, बहाता बहाते। यहाँ पे दी दूसरा है, अंतिम शब्द हमेशा दूसरा ही आता है, दूसरी मात्रा ही आती है, और जब वो उसका बहुवचन बन रहा है, उस शब्द का स्थान बदल रहा है, तो उसकी मात्रा भी बदल गई क्योंकि उसका उच्चारण बदल गया। नदी और नदियाँ, नदियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न सातवां, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है घर, घर का समानार्थी गृह, गृह। दूसरा है नदी सरिता, नदी सरिता। आमंत्रित निमंत्रित, आमंत्रित निमंत्रित। शाम शाम, संध्या शाम, संध्या। मम्मी माता, मम्मी माता। मित्र सखा, मित्र सखा। झटपट जल्दी जल्दी, झटपट जल्दी जल्दी। थोड़े ज़्यादा शब्द हैं समानार्थी शब्द कंपैरेटिवली, बाकी के जो शब्द हैं व्याकरण के बहुवचन लयात्मक शब्द उनके कंपैरिजन में समानार्थी शब्द थोड़े ज़्यादा हैं। झटपट जल्दी जल्दी, और अंतिम शब्द है इतराते, इतराते इठलाते। अगला प्रश्न है, प्रश्न आठवां, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मीन्स आपको वो विलोम शब्द लगेंगे। देखिए खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो आए हैं, खड़े खड़े बैठे बैठे, यहाँ वहाँ, उपस्थित अनुपस्थित विलोम शब्द, धरती अंबर आकाश, सामने पीछे, भद्र अभद्र। विलोम शब्द तो सबको इजी लगते ही है, उसके अपोजिट बनाना, खड़े खड़े बैठे बैठे, यहाँ वहाँ, उपस्थित अनुपस्थित, धरती अंबर, अंबर मीन्स आकाश, सामने पीछे, भद्र अभद्र, ठीक है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नौवा है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक, यहाँ पे दिया है देखो अनुस्वार इन्वर्टेड कॉमा के बीच में और अनुनासिक लगाकर शब्द लिखिए। अब अनुनासिक सिर्फ या एक ही है यहाँ पे, जहाँ यह है अनुनासिक का सिंबल। इसका एक वीडियो, पूरा वीडियो उपसर्ग के ऊपर मैंने आपको भेजा है, तो उपसर्ग और अनुनासिक तो आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे दिया है मित्रों, तो मित्रों के ऊपर अनुनासिक आएगा या अनुस्वार आएगा, तो मित्रों अनुस्वार आएगा। कधे कंधे अनुस्वार आया है, जहाँ जहाँ अनुनासिक आया है, आमंत्रित आमंत्रित अनुस्वार आया है, जनो जनो अनुस्वार और सकट संकट अनुस्वार। ठीक है, प्रश्न दसवां है, निम्नलिखित शब्दों में से नदियों के नाम चुनकर आकृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे दिया है कृष्णा, कृष्णा अगर नदी है तो आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखनी है, वापी अगर नदी है तो आपको इस ब्रैकेट में लिखनी है, सुगमा नदी है तो आपको इस एक ब्रैकेट में लिखनी है, नर्मदा नदी है तो इस ब्रैकेट में लिखनी है। छह नदियों के नाम आपको लिखने हैं और दिए हैं 11, तो उसमें से चुन के जो आपको पता है सिर्फ छह नदियों के नाम लिखने हैं। जनरल नॉलेज वाला प्रश्न है इसलिए मैंने नहीं दिया है, तो छह नदियों के नाम आप खुद आराम से लिख सकते हो और लिखने ही है। इसमें से कौन सी नदियां हैं आपको चुन के लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारी सातवीं कविता पूरी हुई है, अब अगले वीडियो में हमारा जो पांचवा पाठ है आओ बताओ, इस पाठ का थोड़ा स्पष्टीकरण और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक आपको बहुत पढ़ाई करनी है, वाचन करना है, वर्कबुक्स कंप्लीट करने हैं, टाइम टू टाइम वीडियोस देखने हैं, घर पर रहना है और सुरक्षित भी रहना है, खुद का ख्याल रखना है और ऑनलाइन सेशंस भी अटेंड करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।